सो लेट गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यू के Y35 डिवाइस के अंदर ऐप क्लोन सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। दैट मींस किसी एप्लीकेशन का डुप्लीकेट क्रिएट करना, उसी को हम ऐप क्लोन करते हैं कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक व्हाट्सएप है और मैं उसको डुप्लीकेट करके एक दूसरा व्हाट्सएप रेडी कर दिया हूँ, तो वही होता है ऐप क्लोन। और उसको मैं यूज़ करना आज आपको सिखाऊंगा कि आप दो व्हाट्सएप कैसे कर सकते हैं। जितने एप्लीकेशन सपोर्ट वाले होंगे आपके डिवाइस में, उन सबको आप डबल कर सकते हो, डबल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो दोनों में अलग अलग नंबर से। तो सबसे पहले करना क्या है, सेटिंग्स को आइए। अब यहाँ पर एक सेटिंग्स मिलेगी ऐप्स वाली, क्लोन करने के लिए एप्लीकेशन को ऐप्स वाली सेटिंग पे प्रेस करेंगे। नीचे आना, स्क्रीन टाइम के जस्ट नीचे देखेंगे तो ऐप क्लोन मिल जाएगा, यहीं पर आप इसको प्रेस करेंगे। हमारे पास चार ऐसी एप्लीकेशन है जो सपोर्टेबल हैं अभी ऐप क्लोन के लिए। तो मैं करूँगा क्या, जिस भी एप्लीकेशन को क्लोन करना है, मान लीजिए मेरे पास तीन ऐसी एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी क्लोन्ड हैं, लाइक फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम, ये तीनों मोस्ट मेजर एप्लीकेशन यही होती है जो यूजफुल होती ज़्यादा, तो ये ऑलरेडी क्लोन्ड है हमारे फ़ोन के अंदर। अभी दिखाऊंगा, स्नैपचैट क्लोन नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्नैपचैट दिखाता हूँ, ये कि स्नैपचैट यहाँ है, बाकी आपको नहीं दिखेगा स्नैपचैट। और जो फेसबुक वगैरह है वो सेकंड वाला आपको यहाँ पर दिख जाता है, हालांकि मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा तो ये वहाँ पर भी ऐड हो जाएगा इसका ऑप्शन, जो हमें क्लोन करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखो फेसबुक हट चुका है, अब हमें क्लोन करना, तो यहीं से सीधा ऑन करिए, डुप्लीकेट दोनों का रेडी हो जाएगा। देखो मैं ऑन कर दिया, अब यहाँ पर स्नैपचैट सेकंड वाला, फेसबुक सेकंड दोनों आ चुका है। और मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूँ यहाँ से, इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया। तो आप इसको डिस्प्ले के साथ भी कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप डिस्प्ले के ऊपर ही कर सकते हो, सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं। अब हमें पता चल गया है कि कौन कौन सा एप्लीकेशन हमारा क्लोन हो सकता है, तो हम यहाँ पर स्नैपचैट क्लोन होगा, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट वाला ऐप क्लोन मिल जाएगा, हालांकि इसमें कहीं भी ऐप क्लोन मिले आपको बस ऐप क्लोन पर क्लिक कर देना है और इसका डुप्लीकेट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही एप्लीकेशन को क्लोन करते हैं। हालांकि अगर आपको यूट्यूब वगैरह करने हैं क्लोन, तो आप इसके लिए चूज कर सकते हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं प्ले स्टोर के अंदर, कोई भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। फिर कोई कन्फ्यूजिंग होती है तो कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ भी सकते हो।